नमस्कार। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है ना, हम सब लोग चाहते हैं कि ऑफिस में हमारी ग्रोथ हो, ऑफिस में सैलरी बढ़े, प्रमोशन भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका ग्रोथ होता है, ऑफिस में आपकी प्रमोशन होती है। तो एग्जैक्टली यही विषय के ऊपर आज बात करने वाले हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑफिस में ग्रो करने के लिए। आपको अगर ऑफिस में स्टार बनना है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से एक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके और आपके बॉस के रिलेशंस कैसे हैं, बॉस के नज़रिए में आप कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, आप एक कैसे एम्प्लॉय है। बॉस की नज़रिए से देखोगे तो आपको समझेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना बॉस आपको उपयुक्त मानेगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रमोशन और आपका ग्रोथ होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आज इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑफिस में बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है। बॉस यानी आपका एचआर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, या जो भी जिसके पास आप रिपोर्टिंग करते हो। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं बॉस को इम्प्रेस करने के। चलो कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला टिप है ना, ऑफिस के गॉसिप से दूर रहना है। ऑफिस में ना बहुत सारे गॉसिप्स होते रहते हैं, बॉस के रिलेटेड होते हैं, कलीग्स के रिलेटेड होते हैं, कस्टमर्स के रिलेटेड, किसी के साथ भी किसी के रिलेटेड भी ये गॉसिप्स जो होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि गॉसिप्स हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि वो बॉस को नहीं पता होगा, लेकिन किसी ना किसी रास्ते से ये गॉसिप्स बॉस के पास पहुँचते ही है, मैनेजमेंट के पास पहुँचते ही है। और फिर ये गॉसिप्स पहुँचने के बाद उनका जो नज़रिया है आपके पास देखने का ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपको अनट्रस्टवर्दी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये गॉसिप्स करता है तो इसका काम में ध्यान नहीं है। तो पहला जो टिप मैं आपको दूंगा, जब भी गॉसिप्स आपके ऑफिस थोड़ा सा दूर रही है, सुनने में थोड़ा मसालेदार लगता है गॉसिप्स वगैरह करना वगैरह, लेकिन उससे दूर रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं आपका होने वाला है, गॉसिप्स से दूर रहिए। दूसरा, ओनरशिप के साथ काम कीजिए। ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने प्रीमियम क्वालिटीज़ है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस में करता हूँ। तो एचआर एक्सपेक्ट करता है कि हर एक एम्प्लॉई ओनरशिप से काम करे, हर एक एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल बने, और यही मेजर प्रीमियम क्वालिटी मिसिंग होती है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में। अगर बॉस आपका आपको ट्रस्टवर्दी या ओनरशिप लेने वाला नहीं मानता है ना, तो आप ग्रोथ का भूल जाओ, ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड जो तीसरा टिप है मेरा, वो है बी पंक्चुअल इन द ऑफिस। हम ऑफिस में लेट पहुँचते हैं, लेकिन निकलते समय घाई करने लगते हैं, निकलते बराबर समय पर है, एक घंटा पहले से ही तैयारी चालू हो जाती है, बैकपैक करना, ऑफिस से निकलना है, आप टाइम देखते रहते हो कि कब मेरा टाइम होगा, मैं कब पंच आउट करूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। ऑफिस में सबसे पहले तो टाइम पर आना है आपको। टाइम पर आने लगोगे ना, तो आपको पंक्चुअल माना जाएगा, आपको ट्रस्टवर्दी माना जाएगा, आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और पंक्चुअलिटी भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। आप पंक्चुअल बनोगे ना, तो आपको लीडरशिप के लिए भी उपयुक्त माना जाएगा। तो पंक्चुअल बनना है, टाइम पर ऑफिस को आना ही आना है, लेकिन निकलते समय आप ध्यान रखिए कि आप कोई पेंडिंग काम रख के जा रहे हो क्या। अगर वो काम उसी दिन ख़त्म हो सकता है, तो ट्राई कीजिए कि वो काम ख़त्म करके आप ऑफिस से निकले। डोंट थिंक अबाउट कि आपका टाइम कितना है, 8 घंटे हुए हैं, 9 घंटे। इस तरीके से सोचोगे तो कंपनी भी इसी तरीके से सोचेगी कि इतना ही ग्रोथ इसके लिए इनफ है। तो डेफिनेटली पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। उसके बाद मैं टिप आपको दूंगा, बी सिंसियर इन योर ऑफिस। काम अगर छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऑफिस बॉय के लिए भी सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वही एक मैनेजर के लिए भी, एक फ्रेशर के लिए भी, एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी। काम सिंसियरिटी से करो डियर फ्रेंड्स, काम में रुचि दिखाओ, काम में इंटरेस्ट दिखाओ। इससे क्या होगा, आप सिंसियर लगोगे, काम सही तरीके से करोगे, क्योंकि काम के लिए तो आपको रिक्रूट किया है। अगर काम ही नहीं करोगे तो फिर बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है बात करना, राइट। इसके बाद मैं आपको टिप दूंगा, वो है थिंक ऑफ बजट्स। कंपनी के जो बजट्स होते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंपनी के खर्चों के बारे में नहीं सोचते, हमको लगता है कंपनी बड़ी है, प्रॉफिट्स बड़े हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इतने से पैसों से कंपनी को। ऐसा नहीं होता है, छोटे छोटे खर्चे बचाकर ही तो कंपनी बड़ी हुई है ना। तो छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर खर्च करना बंद करो, कंपनी को बताओ कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर पैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। जितना पैसा आप सेव करोगे ना, उतना कंपनी को एज अ अर्निंग ही दिखेगा ना, क्योंकि वो तो प्लस साइड पर ही है। तो थिंक ऑन बजट्स, इससे फिर आप ट्रस्टवर्दी भी दिखोगे और इससे आपको खूब सारा फायदा होगा। आप बॉस को आराम से इंप्रेस कर पाओगे व्हेन यू शो योर थिंकिंग ऑन बजट्स। और जाते जाते और एक टिप, लास्ट टिप मैं दूंगा,
बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बी ओपन फॉर लर्निंग. आई हैव ऑलवेज सीन एम्प्लॉई 6 महीने 7 महीने काम करने के बाद उनको लगता है मुझे अब सब पता है, नाउ आई एम द एक्सपर्ट. लेकिन ऐसा नहीं होता है. बड़े से बड़े लोग भी ना ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं फिर भी वो लर्निंग्स पर विश्वास रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं. लेकिन यही दिक्कत आ जाती है एवरेज प्रोफेशनल्स में, ये खुद को ज़्यादा शाहना समझ बैठते हैं, ज़्यादा लर्निंग में विश्वास नहीं रखते और नया कुछ करते ही नहीं है ट्राई. और इनको लगता है कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ ना. एवरी लीडर, ऑफिस के जो बॉस है ना, दे लाइक पीपल हु आर ईगर फॉर लर्निंग. इनको बहुत ये लोग पसंद है जिनमें वो हंगर है लर्निंग का. तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिए, हमेशा ओपन फॉर लर्निंग रहिए. ऑफिस में अगर कुछ सेशंस होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं ना, तो उसको दिल से सॉल्व कीजिए, क्योंकि लर्निंग आपको भी तो बेनिफिट करने वाली है. ऑफिस का तो फ़ायदा ही है, आपका भी फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है. जब आप ओपन फॉर लर्निंग रहते हो ना, तो आपको ग्रोथ के लिए उपयुक्त माना जाता है. आपका प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, ग्रोथ फटाफट आपकी होती है. तो ब्लेम करना स्टॉप कर दीजिए. ऑफिस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने टिप्स दिए ना, आप ये फॉलो नहीं करते हैं. ये टिप्स को फॉलो कीजिए, ऑफिस में ग्रोथ खूब होगी. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आने वाले वीडियोज़ आपको किस टॉपिक्स पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. जय हिंद.